हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं NCERT ऑफिशियल की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, उसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर जिस तरह से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा में इंटर्नशिप दूसरे स्टेट से, दूसरे कॉलेज से कर सकते हैं, क्या उसी तरह से होम्योपैथी में भी ऐसा हो सकता है क्या? तो जी हाँ, इसका जवाब आ गया है दोस्तों। ये जो नोटिस है NCERT ऑफिशियल की तरफ से रिलीज किया गया है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा डायरेक्शंस रिगार्डिंग माइग्रेशंस इंटर्नशिप ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है मैडम सर, विद रेफरेंस और टू द सब्जेक्ट साइटेड, इट इज इन्फॉर्म दैट वी रिसीव न्यूमरस एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन फॉर माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग BHMS कोर्स और इंटर्नशिप। मतलब कि बहुत सारा एप्लीकेशन जो है NCERT और NCISM के पास, NCERT के पास आया है, किसके रिगार्डिंग, जो इंटर्नशिप ट्रांसफर के लिए और माइग्रेशन के रिगार्डिंग। माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, इस लाइन को समझिएगा, माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन मेडिकल इंस्टीट्यूशन टू अदर इन अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया शैल बी कंसिडर बाई द कमीशन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस ऑन कंपनसेट ग्राउंड। ठीक है, जैसे आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो उसके लिए कोई वैलिड रीजन आपको देना होता है। ठीक है, इन व्यू ऑफ ऑल्सो होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी हैज स्पेसिफाई सर्टेन क्रिटेरिया ऑफ कंपनसेट ग्राउंड ऑन व्हिच कॉलेज यूनिवर्सिटी शैल प्रोवाइड एनओसी फॉर एनी रिक्वेस्ट ऑफ माइग्रेशन इंटर्नशिप ट्रांसफर ऑफ द स्टूडेंट। क्रिटेरिया जो बताया गया वो नीचे है, डेथ ऑफ सपोर्टिंग गार्जियन। जैसे कोई कैंडिडेट है और उसके कमाने वाले परिवार के कोई मेंबर्स की डेथ हो गई है तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रांसफर देना होगा, माइग्रेनोसी देना होगा। डिस्टर्ब कंडीशन एज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट इन द कॉलेज एरिया, जहाँ पे वो बंदा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा केरला कर्नाटका से कर रहा है और वहाँ पर उसको लैंग्वेज की इशू हो रही है 4-5 साल रहने के बाद भी, तो वो चाहता है कि नहीं हम यूपी जा करके या बिहार जा करके या झारखंड जा करके वहाँ पर इंटर्नशिप करें, तो वो जा सकता है, उसको NOC देना होगा कॉलेज को। एनी इलनेस ऑफ द कैंडिडेट और डिसेबिलिटी टू द सर्टिफाइड बाई सर्जन ऑफ रिस्पेक्टिव एरिया अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर किसी का फिजिकली हैंडीकैप हो गया हो या किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या मेडिकल इशू हो गया हो तो भी कॉलेज को NOC देना होगा और उस कैंडिडेट को ट्रांसफर मिल सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हो एनी रिक्वेस्ट ऑफ माइग्रेशन इंटर्नशिप ट्रांसफर शैल बी एंटरटेन्ड थ्रू कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओनली। ठीक है, तो जो इंटर्नशिप, माइग्रेशन और ट्रांसफर वगैरह का जो भी क्रिटेरिया है वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही एंटरटेन करेगा, बाकी कोई पर्सन का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब इस बात से क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको अगर स्टेट सेम है, मान लीजिए कि स्टेट सेम है, तो सेम स्टेट में जो दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकता है, सेम स्टेट में सेम यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में ट्रांसफर हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकता है दोस्तों, और अलग स्टेट के कॉलेज से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर मिल सकता है। लेकिन जो दोनों जगह से आपको NOC लेना होता है, NOC लेने के लिए जो आपको बेसिक और वैलिड रीजन हो वो बताना पड़ता है। ओरली भी बताओ तो कॉलेज वाले मान जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं भी मानते हैं, तो उसके लिए वैलिड रीजन बताना होता है। वैलिड रीजन को लेकर के NCERT ने इस बार क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट थी। जिन बच्चों को ट्रांसफर चाहिए, जैसे मान लीजिए गुजरात स्टेट है, तो गुजरात स्टेट में आपको किसी भी कॉलेज से किसी भी कॉलेज में जाना है आप जा सकते हैं। गुजरात स्टेट से आपको बिहार में इंटर्नशिप कराने जाना है जा सकते हैं। ठीक है, गुजरात स्टेट से आपको NIA में इंटर्नशिप करने जाना है तो जा सकते हैं। ये जो वैलिड फैक्ट और रीजन है इसको आपको देना होगा और आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट थी आप सबके लिए, मैंने सोचा बता दूं आप सबको। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।